बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज है ना, हम लोग है ना, आज हम लोग होम काइट मेकिंग करेंगे और आपको घर पे पतंग बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने ना कुछ ये पेपर लिया हुआ है पतंग का, ये देख रहे हैं आप, और कुछ ये दो बांस ली है, ये कमानी कह रहा है, ये कमानी बनेगी इसकी, ठीक है दोस्तों, और ये इसका बनेगा ठड्डा। तो दोस्तों चले आइए, हम लोग है ना शुरू करते हैं पतंग बनाना। तो सबसे पहले दोस्तों, ये पेपर जो है ना आधा कटा हुआ है, इसको इस साइज पतंग के साइज पे लाने के लिए इसको हमको जोड़ लगाना पड़ेगा। तो ये चले आइए दोस्तों, हम लोग इसको जोड़ लगाते हैं और फिर पतंग तैयार करते हैं। देखा दोस्तों, हम लोगों ने ये जो पेपर जोड़ लिया है, अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, बस अब हम लोग है ना पतंग बनाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग है ना इस पेपर की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों आइए, हम लोग है ना पहले पेपर की कटिंग करते हैं और उसके बाद है ना हम लोग पतंग तैयार करते हैं। मैंने पहले दोस्तों ये निशान लगा लिए पतंग के, अब हम लोग दोस्तों इसकी है ना कटिंग करेंगे। तो चले आइए दोस्तों, कटिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, हम लोगों ने ये कटिंग कर ली, अब जल्द से जल्द इसको पतंग को तैयार करते हैं और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी पतंग बनेगी और इसको दोस्तों हम लोग है ना उड़ा के भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग है ना हम लोग इसका ठंडा तैयार करेंगे, और ठंडा हम लोगों को करना है तैयार, बिल्कुल पतला ठंडा करना है, ये बहुत मोटा है। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को इसको है ना इसका कटिंग करनी पड़ेगी, या दूसरा कोई ठंडा पतला वाला ले लेते हैं। हाँ, ये पतला वाला ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसकी हम लोग करेंगे दोस्तों छिलाई। तो दोस्तों बहुत शानदार पतंग का ठड्डा तैयार हो चुका है और अब हम लोग इसको चिपकाएंगे। दोस्तों हम लोगों ने इस पे ग्लू लगा दिया और चले आइए इसको चिपकाते हैं। हमारा पहला हिस्सा तैयार हो रहा है इस पतंग का, तो ये हम लोग इसको चिपका रहे हैं। ये देखें, इसको बिल्कुल सेंटर पे रख के चिपकाना है और इसको ऐसा दबा देना है, तो बेहतरीन पतंग हो जाएगी हमारी। ये देखिए दोस्तों, पीछे से प्रेस कर देना है और ये चिपक चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको ऐसा करेंगे कि हम लोग अब इसका है ना कमानी तैयार करेंगे, और ये कमानी है दोस्तों, और कमानी तैयार करने के बाद इसको इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों चले आइए, अब बस हमारे ये ठड्डा ये कमानी तैयार हो चुकी है, तो हम लोग चले आइए कमानी चिपकाते हैं पहले इसको, और फिर उसके बाद इस पतंग को कंप्लीट करते हैं। तो आइए कमानी चिपकाते हैं। तो दोस्तों ये देखा आपने, ये हम लोगों ने कमानी जोड़ ली है, अब हम लोग इसके बाद का मरला तय करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, अब हम लोगों ने इसमें कमानी और ठड्डा जोड़ लिया, अब इसका इसमें ना दो चीज़ें कम है, वो इसमें धागा लगाएंगे हम लोग। धागा लगाने के बाद इसमें ना पान का पत्ता चिपकाएंगे और फिर इसके बाद ये पतंग कंप्लीट हो जाएगी। तो चले आइए, हम लोग है ना धागा और पत्ता लगा दें। आइए है ना, ये देखें, हम लोगों ने जो ये पूंछ के पत्ते काट दिए दो, और इसकी तीलिये काटी, ये दोनों चिपकाएंगे इसमें। और सबसे पहले हम लोग है ना इसमें धागा लपेटते हैं, बहुत
आसानी से बन जाएगी आप लोगों से भी। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को ये करना है, ये जद आ गया ना ऐसे करके, इस तरफ करके, और यहाँ पर लाना है हमको धागा। अब इसको है ना, अब हम लोगों को ऐसे करना पड़ेगा, देखें इसको यहाँ से थोड़ा सा उतारना पड़ेगा इसको, सही है। और ये देखें दोस्तों, ये देखें मैं कर रहा हूँ। अब दोस्तों अब यहाँ पर आएंगे हम लोग, और थोड़ा सा इसको, ये दोस्तों धागा इसलिए बांधा जाता है कि ना ये पतंग फटे नहीं, तो मजबूत रहती है इस धागे बांधने से, तो और इसकी है ना उड़ान में भी सही फर्क रहता है, क्योंकि ये जब धागे होते हैं ना, धागे की वजह से ही पतंग अच्छी उड़ती है, धागे की वजह से पूरे पतंग का बैलेंस भी रहता है। ये देखें दोस्तों, अब हम लोगों ने ना ये धागा मान लिया, ये धागा तोड़ दिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा करेंगे कि इसके हम लोग है ना इसके ग्लू लगाएंगे धागों पे, और चल आइए शुरू करते हैं, जल्द से जल्द ग्लू लगाना, और इसके बाद है ना इस पतंग को फाइनल करते हैं। पतंग मेकरों को बनाने में बहुत मुश्किलें होती है, और पतंगबाज तो उड़ाते बेचारे हैं आसानी से। ये देखें, ये दोस्तों हम लोगों ने इस साइड पे तो डो ये धागा लगा दिया। अब ये दोस्तों ये जो डंडी बची है ना, ये जो खड्डा बचा है, इसको हम लोग काट के छोटा कर लेंगे। ये देखें कट गई। अब दोस्तों इसका रह गया ये वाला काम, इधर भी धागा लगाएंगे हम लोग और इस पतंग को कंप्लीट करते हैं। चले आइए, अब हम लोग है ना इसके अंदर इसका पीस लगाते हैं, इसका कलरफुल पीस लगाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। तो चले आइए इसका पीस तैयार करते हैं कलरफुल। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने दिल शेप का पीस तैयार किया ये, और इसको चिपकाते हैं आगे। ये देखें दोस्तों, कितनी बेहतरीन तैयार हो रही है कलरफुल पतंग का। ब्लैक को हम लोग कलरफुल बना रहे हैं, और इसका एक और पीस खाएंगे। ये दोस्तों हम लोग लगाएंगे, ऐसा करते हैं कि जहाँ पर धागा बांधने की जगह होती है उधर लगाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये हम लोग लगाएंगे इसको इधर। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इसमें फाइनल काम करेंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे तीलिया। इस पे लगाते हैं हम लोग तीलिया, आखिरी काम रह गया हमारा दोस्तों, तो आ जाए इसमें हम लोग इसको फाइनल करते हैं। तो लगाते हैं तीलिया। और पत्ता और तीलिया लगाएंगे इसमें। तो दोस्तों चले आइए, अब इसको इसमें हम लोग है ना पत्ता लगाते हैं और इस पतंग को कंप्लीट करते हैं। दोस्तों इसमें तीलिया लगाएंगे, चलिए जल्द से जल्द तीलिया लगाते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारी पतंग तैयार होने वाली है। अभी आखिरी पेपर इसका लगाना है हमको, और ये पतंग तैयार हो जाएगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इसके साथ बिल्कुल बराबर मिला के लगाना है, ताकि देखा दोस्तों ये तैयार हो गई पतंग हमारी। और अब इसमें आप खूबसूरती के लिए बहुत कुछ चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन हम लोगों की है ना आधी पतंग तैयार हो चुकी है, इसके लिए हम लोग थोड़ी खूबसूरती में चीज़ें लगाते हैं। चले आइए,
देख रहे दोस्तों, बिल्कुल पतंग तैयार हमारी। और ये हम लोग भी लगाएंगे इधर, जो ये जगह भी लगी जाती है। ये देखें, ये देखिए दोस्तों, एक इधर लगा देंगे, जो जितना फासला उधर है उतना ही लगाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारी पतंग तैयार हो गई। देखा दोस्तों, कैसी शानदार पतंग तैयार हुई है और बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर आप चाहते हैं तो कुछ और भी डिजाइन डाल सकते हैं इसमें। तो दोस्तों, देखा आपने, हम लोगों ने ना आधी पतंग तैयार कर ली है। और दोस्तों, अभी हम लोग ना इसको उड़ा के भी दिखाएंगे। देखा दोस्तों, कैसी शानदार पतंग तैयार हुई है। और ये दोस्तों, हम लोग इसको उड़ा के भी दिखाएंगे। जरूर देखना यार दोस्तों, बहुत मजा आएगा इस काइट फ्लाइंग करने में और इसको उड़ा के चेक करने में। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये पतंग तैयार कर ली है, अब इसको भी हम लोग है ना उड़ा के दिखाएंगे। और ये दोस्तों हॉर्न काइट मेकिंग थी, आप लोग भी बहुत आसानी से बना सकते हो और इसको उड़ा के भी दिखाएंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छी उड़ेगी ये दोस्तों। मैदानी पतंग बनाई है, आधी साइज की बनाई है दोस्तों। इसको हम लोग है ना उड़ा के चेक करेंगे और उड़ा के दिखाएंगे भी। और उसके बाद हम लोग है ना इसको यहीं पर कहीं लगा देंगे। तो यार दोस्तों, हमारी ये दीवार बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, हमारे हाथ की बनी हुई। इसमें हम लोग अपना दस्तखत कर देंगे ताकि ये हमारे नाम की हो पतंग, ठीक है। तो दोस्तों, बस यार मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों। सीज़न आने वाला है, कुछ टाइम के बाद सीज़न आ जाएगा हमारे इलाके में, और रोज़ाना वीडियो काइट फाइट की वीडियो बनेगी। तो ज़रूर देखना यार दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। मेरी वीडियो देखते रहना दोस्तों, और मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ काइट फाइट पे, काइट काइट मेकिंग पे और मांझा मेकिंग पे। और मार्केट के रेट भी बताता रहता हूँ, मार्केट रिव्यू भी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यार ज़रूर मेरी वीडियो देखते रहना, इसे लाइक और शेयर करना, इसे सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।